आईटी मंडी में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा 6 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में प्रशिक्षुओं को प्राणायाम और सुदर्शन क्रियाएं सिखाई जा रही है। ये जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक राजकुमार ने दी। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक राजकुमार ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा देश भर में यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं और इसी कड़ी में आईटीआई मंडी में 6 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस कैंप में प्रशिक्षुओं को ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रियाएं सिखाई जा रही हैं ताकि युवाओं में आत्मविश्वास की भावना जागृत हो सके और वे अपने समाज के विकास में अपना योगदान कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी छोटी छोटी बातों को लेकर के और हर एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचती थी कि मेरे सिर में दर्द हो जाता था। और एकदम से जब मैंने यहाँ पे आके योगा किया और यहाँ पे योग करवाया गया और उसके साथ साथ हमें एक मेन चीज़ करवाई गई, सुदर्शन क्रिया। और जब मैंने सुदर्शन क्रिया की उसके बाद मेरा माइंड एकदम से सेट हो गया और मैं पहले एक ही बात के बारे में इतना ज़्यादा सोचती थी और मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी सारी चली गई और मेरा मन एकदम से शांत हो गया और मैं जो काम करती थी वो उसी काम पे मेरा ध्यान। वहीं प्रशिक्षु भी कैंप में काफी उत्साहित होकर क्रियाएं सीख रहे हैं। प्रशिक्षुओं का मानना है कि इस कैंप में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और वे अपने आप में परिवर्तन का एहसास महसूस कर रहे हैं। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग का प्रशिक्षक हूं। पूरे भारतवर्ष में हम यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाते हैं और इस मंडी आईटीआई में मैं सोमवार से शनिवार तक का हमें टाइम मिला है तो हम 6 डे का ये प्रोग्राम हम जारी कर रहे हैं 6 दिन का। और इसमें हम ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया अक्सर इन बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस, इंटर टॉक वगैरह भी हम इनको सिखाते हैं ताकि इंटरव्यू अच्छे से फेस कर सकें। और ये जो बच्चे हैं हमारे, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि एडिक्शन की कुछ लत लग जाती है, आज के युवा ज़्यादातर हमारे नशे की लत में हैं, तो इस प्रोग्राम करने के बाद हमने अक्सर ये देखा है इनके अनुभव से कि उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं और इंटरव्यू के लिए भी जब भी इनको कहीं भी खड़ा कर दें तो उसके लिए सक्षम होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरे हिमाचल की आईटीआई में हों और हर एक बच्चा इस सुदर्शन क्रिया का लाभ उठाएं और ये जो यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है हर युवा करे ताकि हमारा समाज बहुत अच्छा हो और आने वाले टाइम में यही बच्चे समाज में जाके लोगों में अपनेपन की भावना को पैदा करें जो आज खत्म हो गई हैं और हमारी संस्कृति बची रहे, यही हमारा मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।